पूरी की पूरी गाड़ी रिपेंटेड है, और वो रिपेंटेड इतनी खराब कंडीशन में है कि जो एक्सेसरी बैठी हुई थी बिना उतारे उसी के ऊपर पेंट मार दिया, बिना बिडिंग्स खोले पेंट मार दिया, कई कई जगहों पे स्टिकर लगे हुए थे उसके ऊपर पेंट मार दिया, पेंट बहुत जगह से ब्लिस्टर हो रहा है, बबल हो रहा है, रनडाउन दुनिया भर का रनडाउन है, कलर मैच नहीं हुआ है ठीक से। यूजुअली हम ऐसे सिचुएशन में इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम गाड़ियों के साथ फॉल्ट ढूंढना ही नहीं चाहते। हर इंसान अपने बजट के हिसाब से अपनी ड्रीम कार फर्स्ट हैंड तो नहीं खरीद सकता, तो फिर सवाल ये आ जाता है कि आप अगर एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको एक बेटर वैल्यू मिल सके। बहुत सारे डीलर्स आज की डेट में गाड़ियों की हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट अगर आपके पास है तो उसको आप पढ़िए। अब रिपेंटिंग के केस में डोर के एजेस देखना, क्रोम पट्टी के नीचे देखना, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो डोर जैम के अंदर जहाँ पे हिंजेस होते हैं उन एरियाज को देखना, ये सब एरियाज ऐसे होते हैं कि अगर रिपेंटिंग की हुई है तो बहुत बार इनमें या तो ठीक से फिनिशिंग नहीं की जाती या बहुत बार आपको ओवर स्प्रे दिखने को मिल जाता है। तो अगर सेलर आपसे ये बात छुपाना भी चाहता है तो आपको एक बेटर आइडिया आ सकता है।